खत्म करू दो मिनट का टाइम स्टार्ट करना देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी आज तुमको तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी अभी से फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट पावर डेट द डेट द फोर्थ पावर फोर्थ पावर फोर्थ पावर ओके देन फाइंड द डेट द फोर्थ पावर ऑफ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द सिलेक्टेड नंबर डेट द सिलेक्टेड नंबर वेन वेन रेज टू पावर फोर वेन रेज टू पावर फोर एंडस विथ सिक्स एंडस विथ सिक्स ओके एंडस विथ सिक्स ओके एंडस विथ सिक्स दो मिनट का टाइमर स्टार्ट करो कर दिया ओके okay, इस क्वेश्चन को सोल्व करो इस क्वेश्चन के लिए दो मिनट दे रहा हूं मैं फटाफट दो मिनट इसके लिए दो मिनट दूंगा आपको ये रहा मेरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन जल्दी आएगा 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 हाँ जल्दी करो ओके दो मिनट कुछ ज्यादा हो गए क्या दो मिनट कुछ ज्यादा हो गए लग रहा है मुझे लगा आप लोगों से नहीं बनेगा आप तो तगड़े खिलाड़ी निकले हेवी ड्राइवर ओके अरे यार इसका कुछ कर दो यार मेरी बोतल का ओके आप तो हेवी ड्राइवर निकले सबका अरे यार तो मैं आई एम यारेरी टू बाय टेन कैसे आएगा मैं इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आया था मुझे लगा था ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है आप लोगों से नहीं बनेगा लेकिन सब गेम ओवर हो गया ओके 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 तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है और मुझे लग रहा है शाम को स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं सुबह से ऐसा लग रहा है क्या मुझे है शाम को स्टूडेंट का ज्यादा प्रेजेंट है सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है सुबह को तो इतने कमेंट ही नहीं आते आंसर के जितने शाम को आ रहे हैं यहां सुबह को क्वेश्चन बन ही नहीं पाता ओके चलिए ओके तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले देखिए हमारे सेट में ओके सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करू सेट क्या दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके क्लियर तो यहां पे मैं दो कॉलम बनाता हूं एक आई का जिसमें हम इंटीजर्स लिखेंगे और एक दूसरा आई टू तो दी पावर फोर का तो अपने पास क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके अगर वन को फोर पे ले जाएंगे तो वन आएगा ओके okay? टू का करेंगे तो कितना आएगा भाई

तो तो फिर फिर से 5 आएगा यहां पे, यहां पे फिर से 5 आएगा 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 पे पे का का करेंगे करेंगे इसमें ओके ओके में. एट में क्या आएगा सिक्सटी फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटीन इसमें 8 में 6 आएगा, ओके? 9 में फिर से क्या इंटू नाइन नाइन स्क्वायर एटी वन इंट एन फिर से वन आएगा और टेन में तो जीरो आएगा भाई टेन में तो यहाँ पे जीरो आएगा तो हमारा देखो यहां पे 10 के 10 डिजिट को सिलेक्ट करना इक्वली लाइक लिए वो देखना है हमें कौन से डिजिट हमको फेवर कर रहे हैं ओके तो हमारे को वो डिजिट्स फेवर करेंगे जिनका पावर फोलू तो लास्ट में जो डिजिट होना चाहिए रेस्ट पावर एंड सिक्स ओके एंड सिक्स मतलब एंडस विद सिक्स मतलब अपना क्या लास्ट डिजिट उस नंबर का क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए तो एक तो ये है भाई टू ओके okay. एक अपना फेवरे फेवरेबल जो अपना आउटकम जो अपने इवेंट को जो फेवर कर रहा है इवेंट को जो अपना फेवर कर रहा है वो क्या है अपना यहां okay. यहां पे पे ओके फिर कहां से निकला चार से चार भी अपने इवेंट को फेवर कर रहा है आउटकम ये आउटकम इवेंट को फेवर कर रहा है फिर दूसरा यहां पे क्या हुआ ये वाला सिक्स ओके okay. ये सिक्स भी अपने आउटकम को अपने इवेंट को फेवर कर रहा है एट भी अपने इवेंट को क्या कर रहा है फेवर कर रहा है मतलब हमें हम क्या करेंगे हम मतलब जो एक नंबर एक नंबर हमको सिलेक्ट करना है वो इन चार में से करना है वो कुछ भी हो सकता है ये 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 या ये या ये या ओके ये ये, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा ठीक है तो टोटल तो टोटल नंबर नंबर यहां पे कितने हैं है और मुझे इन चार में से किसी एक को सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे क्या निकालना है फोर एंड सिक्स ओके तो फोर सी वन डिवाइड बाई टेनसी वन ऐसा भी आप कर सकते हो ओके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दस उसमें से फेवर कितने कर रहे हैं चार ओके ये ओके okay, ये ओ माय गॉड अरे आएगा फंस लिए तुम लोग okay, ये तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मन से क्वेश्चन कहीं से ढूंढा या फ्रेम किया ओके okay, और आप लोगों ने इसका इतना जल्दी आंसर दे दिया ठीक है समझ में तो आ गया ना कि ये कैसे आपको यूज करने कोई दिक्कत की बात नहीं है <laughs> ओके तो अपना ये तीसरा एग्जाम्पल था आज का नंबर डाल देना पता तो चले कुछ तो मिले क्लास के एंड पे कुछ तो किया ओके ओके चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं ओके यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है तो देखो देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दू गलती ये मत कर देना कि i टू दी पावर फोर निकाला i टू दी पावर फोर निकाला ये छे, 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 को एक मान लिया एक, 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 एक को एक मान लिया पांच को एक मान लिया जीरो को एक मान लिया और बोला छ की आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर नहीं नहीं ये इक्वली लाइकली जब यहां से देखोगे तो ये इक्वली लाइकली नहीं है यहां से इक्वली लाइकली है यहां से ये इक्वली लाइकली नहीं है गलती से यहां सब मत कर देना कैलकुलेशन सब बर्बाद हो जाएगा है ना ओके क्लियर ये बात चलिए पता चला वन बाय फोर निकाल के आ गए प्रोबेबिलिटी ओके चलिए ओके चले आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए ओरिजिनल डिजिट्स को देखना कहीं से वो कांड मत कर देना आई फोर को देखे की आई फोर आई फोन सिक्स ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जरा देखते हैं ओके आगे क्या है जरा देखते हैं चलिए ओके कमेंट्स आपको आ रहे हैं मेरी आवाज सुनाई दे रहे हैं आप लोग ओके अभी तक कोई दिक्कत नहीं कोई दुविधा नहीं एग्जाम्पल नंबर फोर एग्जाम्पल नंबर फोर पे जाते हैं ओके okay, चलिए यहां पे देखते हैं फ्रॉम अ बुक फ्रॉम ए बुक फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग चलो आपसे बन रहे हैं तो अच्छी कंटेनिंग हंड्रेड पेजेस हंड्रेड पेजेस वन पेज वन पेज इज सिलेक्टेड वन पेज इज सिलेक्टेड ओके सो पेज में से एक पेज सिलेक्ट करने के सौ so तरीके हैं ओके okay? आप कोई भी एक उठा सकते हो वन पेज इज सिलेक्टेड रेंडमली रेंडमली ओके रेंडमली ये क्वेश्चन इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा रेंडमली द प्रोबेबिलिटी डेट द सम ऑफ द डिजिट्स द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी डेट डेट द सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स sum of digits the probability sum of digits of the page number of the select page is 11 of the of the of the page number of the page number of the page number select of the page number of the selected page of the selected page ऑफ selected पेज इज इलेवन इज इज इलेवन इज ओके इज इलेवन इज ओके चलिए इसको बनाइए टाइमर स्टार्ट करो एक मिनट का टाइमर अभी एक मिनट के टाइमर लगाओ इनको सब आता है भाई है ये सब आगे तगड़े स्टूडेंट्स आ गए प्रोबेबिलिटी में ओके चलिए चलिए इसको इसको निकालिए देखो हंड्रेड पेज है आपके पास तो हंड्रेड पेज में से कोई भी एक पेज सिलेक्ट करने की ये सब कितनी पॉसिबिलिटीज है वन बाय हंड्रेड प्रोबेबिलिटी होगी मतलब सारे एक पेज आप हंड्रेड के हंड्रेड पेज है ऐसा सेट बनाओगे जिसमें वन टू हंड्रेड पेज है और एक पेज को सिलेक्ट करने की मतलब हमारे लिए क्या है ये इक्वली लाइकली है ओके ये इवेंट्स क्या है इक्वली लाइकली किसी भी एक पेज को सिलेक्ट करना ओके लेकिन आपको फेवर कौन से आउटकम्स कर रहे हैं आपको वो हमारे हमको वो आउटकम्स निकाल रहे हैं जो निकाल रहे इतने वो कितने आउटकम्स हैं जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं तो हमारे इवेंट को वो आउटकम फेवर करेंगे मतलब वो पेज चुनना है जिसका जब वो पेज चुनना है उस पेज का जब पेज नंबर देखें तो उनके डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए ग्यारह होना चाहिए ये बात आई समझ में क्लियर हुआ ये बात ओके okay. चलिए हा टाइमर चलने दो फिर मैं कुछ करता हूं ओके okay. आपको ये बात याद रहनी चाहिए जो ये हम फॉर्मूला क्लासिक प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं इसमें सारे जो हमारी सारे के सारे जो अपने उसमें सारे जो पड़े हुए एलिमेंट सैंपल स्पेस तो से सारे सैंपल पॉइंट्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए इक्वली लाइकली ओके 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 तो कोई कृपया करके ऐसा ना बोले कि पेज नंबर जीरो से स्टार्ट होगा है ना चलिए ओके 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 मैं वेट ओके टाइम ओवर टाइम ओवर लेकिन बहुत सारे लोगों ने दे दिया है तो हमारे देखो सेट में क्या है हमारे सेट में है पेजेस ओके okay? पेज अपने सो पेजेस हैं सो पेज से पहला पेज है उसका पेज नंबर वन होगा दूसरा पेज उसका दूसरा पेज नंबर होगा ग्यारहवा पेज होगा उसका ग्यारह नंबर होगा क्लियर इतनी बात लेकिन यहां ये क्या बोला है कि जो भी पेज सिलेक्ट कर रहे हो उस पेज का जो नंबर है उस नंबर की जब डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए ग्यारह आना चाहिए ओके तो देखो हमारे पास क्या क्या इवेंट में हमारे पास क्या क्या केस बनेगा यहां पर देखो कौन कौन सा पेज हम सिलेक्ट कर सकते हैं इवेंट में जाएंगे इवेंट में कौन कौन सा पेज आएगा वो देखते हैं ओके तो ऐसा पेज जिसका अगर हम एडिशन करेंगे डिजिट्स का तो सम क्या आना चाहिए ग्यारह आना चाहिए तो पहले 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 फर्स्ट से, से नाइन्थ तक तो जाएगा ही नहीं ओके तो फर्स्ट तक नाइन्थ तक जाएगा ही नहीं फिर हम गए दस पे ओके पेज नंबर एक सौ सो, सो है तो एक पेज नंबर यू आएगा ट्वेंटी नाइन ओके ट्वेंटी नाइन पेज नंबर है इसके डिजिट्स का सम करोगे तो कितना होगा ग्यारह होगा ये इसमें आएगा ओके फिर नाइनटी टू भी होगा सीधी सी बात है नाइनटी टू भी होगा फिर एक पेज होगा लेटेस्ट से कौन सा पेज होगा 47 नंबर पेज भी होगा 47 तो 74 भी होगा क्लियर इतनी बात 74 भी होगा और 92 हो गया 47 हो गया 74 हो गया फिर होगा एक 82 पेज नंबर फिर 28 भी होगा क्लियर इतनी बात ये मामला हुआ फिर और क्या बचा भाई ओ माय कॉड ये तो 83 होगा और ये क्या होगा 38 होगा ये क्या होगा 38 होगा क्लियर इतनी बात फिर, आप फिर, आपका फिर, आपका फिर आपका कौन सा होगा फिर आपका 47 हो 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 गया 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 74 83 38 फिर फिर आपका आपका 29 92 कौन सा आएगा ये पैंसठ नंबर और कौन सा छप्पन नंबर ओके इतने ही पेज होंगे जिसमें समेशन क्या आएगा ग्यारह ही आएगा बस आठ पेज ही होंगे जिसमें समेशन क्या आएगा ग्यारह आएगा इसको ट्रिक क्या है आप छोटे से स्टार्ट करो छोटे नंबर से स्टार्ट करो वन

फिर एट एट ऑलरेडी आ गया नाइन नाइन ऑलरेडी आ गया खत्म इतने ही केसेस होंगे ओके खत्म इतने ही केसेस होंगे तो सिंपली अपना देखो ये जो अपना पूरा सैंपल स्पेस है प्रोबेबिलिटी अपना जो पूरा सैंपल स्पेस है इसमें कितने आउटकम अपने इवेंट को फेवर कर रहे हैं दो चार छ आठ ये नंबर यहां पे होंगे बीच में ओके तो आठ और टोटल कितने हैं सो so, तो इसका क्या आएगा भाई जीरो पॉइंट जीरो एट क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो एट आंसर क्लियर 0.08, ओके वेरी गुड 0.08, ओके क्लियर ऐसा भी बोल सकते हो एट सी वन डिवाइड बाई हंड्रेड सी वन ओके एट सी वन डिवाइड बाई हंड्रेड सी वन ऐसा भी हम बोल सकते हैं ओके एट सी वन डिवाइड बाई हंड्रेड सी वन ओके ठीक है चलिए ठीक है ठीक है चलिए 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 यहां पे ओके वेरी गुड हो गया सोल्व हो गया समझ में आ गया प्रॉब्लम जी हैं जी प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को एक बार मुझे बता दीजिए प्रॉब्लम समझ में आ गया काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करना वन से तो वन के साथ टेन आएगा तो एक सौ एक तो पॉसिबल ही नहीं है ओके एक सौ एक तो पॉसिबल ही नहीं सौ पेजेस का चोपड़ा है ओके चोपड़ा मतलब वो आदित्य या प्रियंका चोपड़ा नहीं हम गुजरात में मतलब गुजराती लैंग्वेज में ऐसे नोटबुक को बोलते हैं चोपड़ा आप लोग क्या बोलते हैं कॉपी कॉपी किताब है और बुक को बोलते हैं किताब ओके क्लियर चलिए यह क्लियर हुआ आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर हुआ क्वेश्चन ओके ये क्लियर हुआ आप लोगों को चलिए यहां पे यह क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर बढ़ा जाए फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव इज एवरीथिंग ओके okay. तो so, ये बेसिकली चोपड़ा ये जो नोटबुक है ना इसको गुजरात में गुजरात में चोपड़ा बोलते हैं ओके okay. चोपड़ा हाँ है ना ये लोग ऐसा नहीं समझे कि आदित्य चोपड़ा है प्रियंका चोपड़ा नहीं इसको चोपड़ा बोलते हैं ओके okay. चोपड़ा खरीद के लाओ एक चोपड़ा लेव से है चोपड़ो लेवछ से <laughs> ऐसे चोपड़ो लेव से है ओके okay. चलिए चलते हैं ओके okay. कोई यहां से गुजरात से तो नहीं है ना भाई मैं मजाक कर रहा हूं सीरियस दिल पे मत ले लिया करो देयर आर देयर आर ओके देयर आर एन लेटर्स एन लेटर्स एन लेटर्स ओके एन लेटर्स लेटर्स मतलब फॉर्मल लेटर भी हो सकता है लव लेटर भी हो सकता है वैसे लव लेटर का तो जमाना चला गया अभी ठीक है क्योंकि अभी मोबाइल व्हाट्सएप फ्री है सब कॉलिंग वॉलिंग ओके ओके देयर आर एन लेटर्स एंड एन एड्रेस्ट एन एड्रेसिसके एन एड्रेसिस और यह लेटर अभी कहा का? लेटर ये कौन से लेटर से? अभी जमाना चला गया ओके okay? लगता है क्वेश्चन तब बनाया गया था ओके okay, जब अपने पास ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी द प्रोबेबिलिटी ओके द प्रोबेबिलिटी इसको एन को जनरली कुछ भी कर सकते हो द प्रोबेबिलिटी the probability that that all that all that all the letters all the letters or trust me

जितना को सॉल्व कर सकते हो करना और ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है ओके चलिए डेट ऑल द लेटर्स आर आर नॉट केप्ड इन नॉट केप्ड इन द राइट एनवलो नॉट केप्ड इन द दाइट एनवलो इस ओके ओके तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले यहां पे एक रूल समझ लो जिसको नोट कर लेना ये नोट कर लो इसको ये मैं शायद नहीं बताया हूं। बताया है क्या ये बायजेक्शन रूल बायजेक्शन रूल ये मैंने आपको बताया है। तो यहां पे देखो ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम्स पेवर एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स total number of outcomes minus outcomes that does not outcomes outcomes number of outcomes savers in event is equal to total number of outcomes minus outcomes that outcomes that do not favor do not favor do not favor an event एन इवेंट ओके एन इवेंट चलो इसको लिख लो इसको बाइजेक्शन रूल को समझ लो क्योंकि बाइजेक्शन रूल ही यह हम यहां पे यूज करेंगे ओके okay? ओके okay, इसको लिख लो बायोजेक्शन रूल को क्योंकि यहीं पे वही काम आएगा ओके okay, समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है ओके okay? चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी करो जीना है हमें मरना है हमें एक साथ ओके प्रोबेबिलिटी को बोझ की तरह नहीं लेना है सिंपली चीजों को समझना है आसानी से ओके जल्दी करो जल्दी करो जाना है मुझे कल के लिए ओके ऐसे ही फर्जी गाने सुने क्या ओके okay, अरे टाइमर तो लगाया ही नहीं नोट कर लिया ये बाइजेक्शन रूल इसमें लगाएंगे हो ना इसमें लगाएंगे बाइजेक्शन रूल ये नोट कर लेना कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू ओके okay, लेकिन अभी नोट कर लो बायजेक्शन रूल ओके okay, ओके okay, सब लोग कहां खो जाते हैं चलो इसको टाइमर लगाओ टाइमर हाँ अभी टाइमर लग रहा है इस क्वेश्चन पे है ना टाइमर इसलिए लग रहा है बायजेक्ट एक, 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 एक. बाइजेक्शन रूल इस क्वेश्चन में लगेगा ये आपको मैं टिप बता रहा हूं ओके चलो अभी सोल्व करो इस क्वेश्चन को ये टाइमर रिकॉर्ड भी हो जाएगा ओके चलो इसका कुछ व्यवस्था कर दो मेरा ओके देर आर are... टाइमर तो दिख ही नहीं रहा चल लेक करेगा ओके हेलो 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 क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है टाइमर यहां पे दिख गया मुझे वेरी गुड एक जने नहीं सिर्फ अभी तक आंसर दिया है जल्दी 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 ओके okay. क्या देर आर एन लेटर्स एन एड्रेस एड एनवलॉफ प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट राइट द प्रोबेबिलिटी डेट द डेट ऑल द लेटर्स आर नॉट के मतलब क्या है

आगे पता चलेगा ये गड़बड़ है मामला ओके सबको आ रहा है समझ में आप केस देखो इसमें एक्जैक्टली बोल क्या रहा है एटलीस्ट एक, एक लेटर तो गलत जगह पे जाना ही चाहिए तो इसमें हमने क्या बोला एटलीस्ट और एटमोस्ट केस में बनाते फिर एड कर देते हैं लेकिन यहां पे बोलोगे एग्जैक्टली वन लेटर रॉन्ग जगह पे डाला एग्जैक्टली टू लेटर टू लेटर्स रॉन्ग प्लेस पे डाल दिए एग्जैक्टली थ्री लेटर्स रॉन्ग प्लेस पे डाल दिए तो पता चला है तो गड़बड़ है केस आगे बनते ही जा रहे हैं ओके okay? तो इसके लिए इसको बायजेक्शन रूल से करेंगे किससे करेंगे बायजेक्शन रूल से ओके okay? तो बायजेक्शन रूल से इसको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि आर नॉट ऑल द लेटर्स आर नॉट इन द राइट एनवल इसका मतलब क्या है हमारे पास जो पॉसिबल सारे केसेस होंगे जो सारे पॉसिबल केसेस है उसमें एक केस ऐसा भी होगा सारे पॉसिबल केस मतलब यहां पे देखो हमें करना क्या है इसमें करना क्या है अपने पास ध्यान से सुनना अपने पास ऐसा समझ लो ये एनवलोप है ये क्या है एनवलोप है एन एनवलोप्स ओके एन एनवेलोप्स ओके ये क्या है एन एनवेलोप्स अभी अपने पास क्या है एन एनवलोप से एन लेटर्स है सिंपली करना क्या है इनको इनके अंदर डालना है मतलब हो क्या आपके पास क्या क्या हो सकता है लेटर्स से दस एनवलोप से दस लेटर्स आपके पास है ओके okay? दस एनवलोप से दस लेटर्स आपके पास है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले एनवलॉप में एक लेटर जाए उसके दस तरीके हैं आप दस में से कोई भी डाल सकते हो एक चला गया दूसरे एनवलॉप में आठ ऐसे इन शॉर्ट करना क्या है दस को परम्यूट करना है परम्यूट करना, okay, करना, पर करना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे जिससे हम अपने लेटर्स एनवलॉप में डाल सकते हैं फैक्टोरियल कितने फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई

इसमें से वो सब ट्रेक करो जो हमको फेवर नहीं कर रहा है हमको कौन सा फेवर नहीं कर रहा है जिसमें एक केस वो होगा ठीक है मैं आपको बोलूं कि सारे के सारे लेटर्स को सही जगह पे डालने के कितने तरीके हैं एक ही तरीका होगा ठीक है एक ही तरीका होगा वो जो एक तरीका है वो हमको अनफेवर कर रहा है क्योंकि हम उस केसेस में इंटरेस्टेड हैं जिसमें कम से कम एक लेटर गलत जगह पे जाएगा ओके तो वो वाला तरीका इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहां पे जो बाकी के हमको मिलेंगे तरीके वो तरीके क्या इंक्लूड कर रहे हैं एटलीस्ट एक लेटर गलत चला गया टू थ्री फोर सारे इसमें कवर हो जाएंगे तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी फेवरेबल आउटकम्स एन फेक्टोरियल माइनस वन डिवाइड बाई टोटल नंबर आउटकम्स एन फेक्टोरियल ओके क्लियर इतनी बात तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन फेक्टोरियल डेड सेट खेल खत्म ओके okay, खेल खत्म खेल खत्म अभी मुझे ये बात बताओ अभी मुझे मैं अगर ऐसा बोलता देर आर फोर लेटर्स एंड फोर एड्रेसेस एनवल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवल तो आंसर कितना आता अगर मैं एन की जगह बोलता चार लेटर ओके चार लेटर्स तो आंसर कितना आता जरा बताओ मुझे ओके वेरी गुड बहुत अच्छे अगर एन की जगह चार आंसर होता तो क्या होता जल्दी एन की जगह अगर चार लेटर्स बोलता तो क्या होता जल्दी मुझे बताइए कृपया करके जल्दी ओके अगर एन की जगह चार लेटर्स होते तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि सारे एटलीस्ट मतलब सारे सारे लेटर्स सही जगह पे नहीं जा रहे ओके जल्दी ठीक है तो क्या हो जाती वन माइनस वन बाय फोर फिकटोरियल वन माइनस वन बायर फिक्टोरियल ओके वेरी गुड बहुत अच्छे ओके okay, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में यही क्वेश्चंस कोई तोप, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं लगाने हमको मतलब ऐसे इतने ही इतनी लेवल ठीक है अपने लिए तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या आगे बढ़ा जाए कृपया करके मुझे बताएं आगे बढ़ा जाए ओके आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी फोर वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे सब लोग अभी लग रहे हैं फॉर्म में सुबह को पता नहीं तुम लोग नींद में होते हो अभी तो फटाफट आंसर दे रहे हो सुबह को क्या हो जाता है तुम लोगों को है जी सुबह को क्या हो जाता है एग्जाम्पल 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 नंबर सिक्स ए बेग कंटेंस ए बेग कंटेंस ए बेग कंटेंस फोर ब्लैक फोर ब्लैक फोर ब्लैक एंड फाइव रेड बॉल्स एंड फाइव रेड बॉल्स ओके फाइव रेड बॉल्स फोर ब्लैक एंड फाइव रेड बॉल्स इफ थ्री बॉल्सन एट रेंडम इफ थ्री बॉल्स ये कहां से क्वेश्चन आ रहे आर चूजन आर चूजन एट रेंडम एट रेंडम एट रेंडम

ओके okay, एक मिनट का टाइमर स्टार्ट करो एग्जाम्पल सेवन चलो एग्जाम्पल सेवन इसमें ही करवाता हूं ओके एग्जाम्पल सेवन यहां पे लिखते हैं इफ 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 फ्रॉम ए पेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स फिफ्टी टू कार्ड्स फिफ्टी टू कार्ड वन कार्ड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम ड्रॉन एट रेंडम मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहा ओके okay? चलिए If from a pack of 52 cards, one card is drawn at random, one card is drawn. At